नेक्स्ट लिटिल मास्टर आइए प्लीज. डांस ही मेरा पैशन है और मैं डांस के अलावा कुछ भी नहीं करना. मेरा सपना है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा डांस कोरियोग्राफर बनूं. वैसे तो हर बच्चा अपने पिता से इंस्पायर होता है. शायद मैं ही एक ऐसा पिता हूं जो अपने बच्चे से इंस्पायर हुआ हूं. मेरी माँ दुनिया की सबसे बेस्ट माँ है ना मम्मी. और मेरा बेटा दुनिया का सबसे हैंडसम बेटा. बहुत अच्छा लगा, मुझे गर्व महसूस हुआ कि मेरा बच्चे को इतना अच्छा मान सम्मान मिला. जब गीता माँ ने कहा कि उनका बच्चा मेरे बच्चे की तरह होए तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ. बहुत ही अपने आप को बड़ी समझ रही. मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करा. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं टॉप 100 में आ चुका हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मुझे गोल्डन सुपर विंग्स भी मिल जाए. Ow, ow. Music. मैं डांस नहीं छोड़ने वाला. अब कितना भी कुछ कह लो, अब आप ही इन्हें को समझाओ कि आप ही मेरी जिंदगी हो. मैं इन्हें कैसे समझाऊं? सभी बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, लेकिन आज जो अभी मैंने देखा है ना, हैट्स ऑफ, मजा आ गया. मक्खन 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 एंड बियॉन्ड. थैंक यू करिश्मा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत प्यारा. करिश्मा, यू नो जब ये ऑडिशन में आया था और उसने नाचा था, तब हमारी जो मास्टर जहाँ पे आप बैठी हैं, शी वॉज इमोशनली चोक्ड. एकदम आप रो क्यों रहे हैं? I don't know. I'm just happy for you. Yeah. Hai na? No, but I completely dil se dua hai meri. If I have a child, he better dance like this. He's... main jaan sakta hu aur main samajh sakta hu ki usne aisa kyun kaha. And jis tarah se aap nachte ho na. Thank you sir. Faisal, aap kya ho yaar? Aap kuch bhi kar sakte ho yaar. Super. You're outstanding. Dude. Aur jo aapke face pe sincerity and feeling or emotion, dance, totally. Precision, sab kuch. Kya baat hai? I'm going, ma'am, sir. God bless you. All the best to you. All the best. Thank you. Next, please. मेरा नाम रोहन है. मैंने बॉम्बे से ऑडिशन दिया था. हम कोरियोग्राफी ग्राउंड में मिले यहाँ पर और ये ऐसे ऐसे करता है, कर देना रोहन. दिल चाहता है. मैंने बोला कितना अच्छा करता है, तो ऐसे ऐसे करते करके दोस्त हो गया. दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन. फिर
फैजल सबसे फ्रैंक रहता है, बहुत मस्ती करते हैं हम दोनों। दिन दिन भर हो प्यारी बातें। हमने बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए, हम आगे भी ऐसे ही मेहनत करके जाएंगे। हम दोनों टॉप 16 में आगे रहेंगे। चाहता है रोहन म्यूजिक। कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंधी है, महकी हुई सी अब सारी फिजाएं है, महकी हुई सी अब सारी हवाएं है, कोई हुई सी अब सारी दिशाएं है, बदली हुई सी अब सारी अदाएं है, धड़क रहा है दिल सांसों में तू, होठों पे नगमे हैं, आंखों में सपने हैं, सपनों में बीते हुए सारे वो लम्हे हैं, कैसी मीठी बातें थी वो, कैसी मुलाकातें थी वो, जब मैंने जाना था नजरों से कैसे पिघलते हैं दिल और आरज़ू पानी है, कैसे मंजिल और कैसे उतरता है चांद जमीन पर, कैसे कभी लगता है स्वर्ग अगर है तो बस यही पर, उसने बनाया मुझे और समझाया मुझे, हम जो मिले हैं हमें ऐसे ही मिलना था, गुल जो खिले हैं उन्हें ऐसे ही खिलना था, जन्मों के बंधन जन्मों के रिश्ते हैं, जब भी हम बनने तो हम यूं ही मिलते हैं, कानों में मेरे जैसे शहद से घुलने लगे, खाबों के डर जैसे आंखों में घुलने लगे, खाबों की दुनिया भी कितनी हंसी और कैसी रंगी थी, खाबों की दुनिया जो कहने को थी पर कहीं भी नहीं थी, खाब जो टूटे मेरे आंख जो खुली मेरी होश, जो आया मुझे मैंने देखा मैंने जाना, वो जो कभी आया था नजरों पे छाया था दिल में समाया था, जाग चुका है और दिल मेरा है अब तन्हा तन्हा, न तो कोई अरमा है न कोई तमन्ना है न कोई सपना है, अब जो मेरे दिन और अब जो मेरी रातें हैं। रोहन। यस सर। क्विक स्टाइल। यस सर। काफी क्विक था। थैंक यू। सो रिजल्ट के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू सर। ओके बट वेरी नाइस डांसिंग। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। और अब बारी है लिटिल मास्टर्स फैजल और रोहन के रिजल्ट्स की। कोरियोग्राफी राउंड से शुरू हुई फैजल और रोहन की दोस्ती क्या डांस के सबसे बड़े मंच तक पहुंचेगी? बहुत डर लग रहा है, जैसे जैसे लोग अंदर जा रहे हैं हम आगे आते जाते, वैसे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि जजेस को हमने इम्प्रेस तो किया है मगर अभी जजेस के ऊपर है कि हमको वो गोल्डन सुपर रिंग्स देंगे या नहीं। मैं बहुत नर्वस हूँ, अभी नंबर आने वाला है नेक्स्ट मेरा ही है, देखते हैं क्या होता है जजेस के ऊपर जो भी है। फैजल और रोहन। यस मैम। मैंने सुना आप बहुत अच्छे दोस्त हो गए। अच्छा एक बात बताओ, अगर दोनों आगे चले गए और इतने अच्छे दोस्त हो गए हैं तो आप दोनों में से लिटिल मास्टर्स जीतना कौन चाहता है? दोनों ही हासिल करेंगे। दोनों नहीं बेटा, विनर एक ही होता है ना। मैं तो चाहूँगा। आप चाहते हो? मैं भी। अच्छा तो यानी कि दोस्ती अपनी जगह, कॉम्पिटिशन अपनी जगह, एक को तो आगे जाना ही है आप में से, है ना? और उसका नाम है फैजल। कंग्रेचुलेशंस फैजल, गोल्डन सुपर विंग्स आपको मिलते हैं। तुमने क्या कहा था? हिम्मत नहीं हारते रोहन, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके कोई बात नहीं, ओके कोशिश करते रहना। और आप क्यों रो रहे हो फैजल? आपको तो गोल्डन सुपर विंग्स मिले हैं। इसको नहीं मिले इसलिए बुरा लग रहा है। इसके लिए बुरा लग रहा है? तो फिर रोहन को तो गोल्डन सुपर विंग्स देने चाहिए ना हमको, ताकि आप ना रोए और ताकि आप दोनों की दोस्ती बरकरार रहे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है?
और सुपर 16 में रोहन आप जल्दी आइए और ले जाइए। दोस्ती पुरानी या नई नहीं होती, वो तो सिर्फ फैजल और रोहन के रिश्ते जितनी गहरी होती है और सिर्फ इसी एहसास में सिमटी होती है कि दोस्त डूबा तो हम डूबे, दोस्त पार हुआ तो हम पार हुए। छोटी उम्र की इन बड़ी बातों को समझ पाना अक्सर हम बड़ों के बस की बात नहीं होती। क्या दोस्ती है यार। Can you imagine? Awesome. This age, they know that feeling. Bonding, it's beautiful. बहुत ज़्यादा excited है कि हम top 16 में, इंडिया के टॉप 16 में सेलेक्ट हो चुके हैं। मुझे लगा था कि मैं सेलेक्ट नहीं होगा, मगर मैंने जजेस को इम्प्रेस किया और मैं सेलेक्ट हो गया और साथ साथ मेरा दोस्त भी सेलेक्ट हो गया।